फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान से दो अपडेट है। बात करें इसके पहले अपडेट की तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेकर्स जवान के ट्रेलर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस ट्रेलर को रिलीज करने के लिए चेन्नई में एक बड़ा इवेंट होने वाला है और इस इवेंट के दौरान ही जवान के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा और इस इवेंट में हमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, विजय सेतुपति, अनिरुद्ध, रविचंद्रन और एटली कुमार के साथ थलापति विजय भी देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें इसके दूसरे अपडेट की तो जैसा कि आपको पता है जवान के दो गाने रिलीज किए गए हैं और वहीं खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि जवान के मेकर इसके और दो गानों को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये गाने हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें शाहरुख खान की ये फिल्म एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर एटली कुमार ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म हमें 7 सितंबर 2023 को हिंदी के साथ तेलुगु और तमिल भाषा में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान और उनकी आने वाली फिल्म जवान के बारे में? क्योंकि मैं भी आप हूँ रेडी। निखिल सिद्धार्थ की आने वाली पैन इंडिया फिल्म स्वयंभू की शूटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि निखिल सिद्धार्थ की इस फिल्म की शूटिंग आज से स्टार्ट हो चुकी है। निखिल सिद्धार्थ की ये फिल्म एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर भरत कृष्णामाचारी डायरेक्ट कर रहे हैं और वहीं इस फिल्म में हमें निखिल सिद्धार्थ के साथ संयुक्ता मेनन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है पर मेकर्स ने ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि निखिल सिद्धार्थ की ये फिल्म 2024 में तेलुगु के तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म वेलकम टू दी जंगल से एक अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि वेलकम टू दी जंगल में अक्षय कुमार, जैकलीन, दिशा पटानी, संजय दत्त, अरशद वारसी और सुनील शेट्टी के साथ दलेर मेहंदी, कृष्णा अभिषेक, मीका सिंह, कीकू शारदा और रवीना टंडन को साइन किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि वेलकम टू दी जंगल में हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। आपको बता दें अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2023 से स्टार्ट होगी और वहीं इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अहमद खान डायरेक्ट करने वाले हैं। अहमद खान ने ही बागी 2, हीरोपंती 2 और बागी 3 जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। ऑफिशियल तो नहीं है पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि वेलकम टू दी जंगल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट एक छोटे से ग्लिम्स वीडियो के साथ देखने को मिलेगी। वैसे आप अक्षय कुमार की 2024 में आने वाली कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में बताएं। रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म फ्लाइवर 170 से एक अपडेट है। आपको बता दें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि फ्लाइवर 170 में हमें रजनीकांत के साथ अमिताभ बच्चन, मंजू वारियर, फहाद फासिल और नानी जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल तो नहीं है तो देखना होगा कि थलाइवर 170 के मेकर्स द्वारा ऑफिशियल कास्ट कब तक अनाउंस की जाती है। आपको बता दें थलाइवर 170 एक कॉप ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसे डायरेक्टर टीजे गनावेल डायरेक्ट करने वाले हैं और वहीं रजनीकांत इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2023 से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें समर 2024 में देखने को मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे थलाइवर 170 के बारे में हमें कमेंट में बताएं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो सनी देओल की फिल्म गदर 2, इस फिल्म ने अपने रिलीज के 7वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ 28 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ गदर 2 ने अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस में 284 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करें अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2, इस फिल्म ने अपने रिलीज के 7वें दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ OMG 2 ने अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। तो आपको क्या लगता है सनी देओल की गदर 2 शाहरुख खान की फिल्म पठान के इंडियन बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या नहीं? तुझे तारा सिंह पहचान दे नहीं, दुश्मनों पूछो तारा सिंह कौन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।